Good afternoon, BBA Thursday. Welcome back to the class of Global Business Environment. तो पिछली क्लास में अपन ने सार कंप्लीट कर लिया था और नया अपन शुरू कर रहे हैं एशिया। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो सार जो था वो था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, वो था साउथ एशियन। ठीक है, ये है साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, मतलब कि साउथ एशियन, एशिया जो पूरा एक महाद्वीप है उसकी जो साउदर्न कंट्रीज है, सदर्न कंट्रीज हैं, उन सभी ने मिलकर बनाया था सार। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, मतलब कुछ कंट्री साउथ की और कुछ कंट्री एशियन ईस्ट की, एशियन कॉन्टिनेंट की, उन सभी ने मिलकर बनाया साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, सो द गवर्नमेंट ऑफ दीज फाइव कंट्रीज फॉर्म्ड द एशियन इन 1967। सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस फॉर्म द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज एशियन। ठीक है, इन 1967। ठीक है, फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा, शांति फॉर पीस, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज पीस। ठीक है, इन देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी, सभी देशों को सुरक्षित रखने के माध्यम से। चौथा, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उत्थान, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उत्थान एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ऑफ Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia and Philippines form the Asian Association from Southeast Asian Nations in 1967 for promoting economic growth and development, आर्थिक विकास एवं वृद्धि। दूसरा, शांति for maintaining peace between the member countries, सभी जो मेंबर देश हैं उन सभी के बीच में शांति की स्थापना हो सके, सिक्योरिटी, सभी मेंबर नेशंस की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट,
सभी मेंबर कंट्रीज के समाज सामाजिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सोशल एज वेल एज द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन। द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस फॉर्म द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इन 1967 फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेनिंग पीस बिटवीन द मेंबर नेशन सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर नेशंस सोशल प्रोग्रेस ऑफ द मेंबर नेशन एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर नेशंस, ठीक है। नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री। एशियन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8th August 1967। ठीक है, इन बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है, इन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक इन थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय द फाउंडिंग मेंबर फादर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड फिलीपींस एंड सिंगापुर, ठीक है। इन सभी के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन सभी ने बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को एक एग्रीमेंट साइन किया जिससे स्थापना हुई एशियन की, ठीक है। नाउ द प्रसीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था एशियन से पहले जो 8 अगस्त 1967 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था ASA जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके अंदर केवल 3 देश थे थाईलैंड फिलीपींस एंड मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड फिलीपींस एंड मलेशिया, ठीक है। तो उसके बाद 2 मेंबर्स ने जब ये नया ऑर्गेनाइजेशन बना सिंगापुर एंड इंडोनेशिया टुगेदर दे 5 फॉर्म द एशिया, ठीक है, इन 8th August 1967, ठीक है। उसके बाद है मेंबर कंट्रीज, ठीक है, आज की तारीख में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, 5 मेंबर कंट्रीज जो है ये फाउंडर मेंबर्स हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, ठीक है। नाउ मेंबरशिप, एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दस देश है मेंबरशिप। एशियन मेंबर्स आर फर्स्ट थाईलैंड, फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर मतलब कि वो शुरुआत से ही इसके मेंबर, ठीक है। सेकंड देश फिलीपींस, मलेशिया, फोर्थ सिंगापुर, फिफ्थ इंडोनेशिया, ये सभी जाने जाए फाउंडर मेंबर्स के नाम से, ठीक है। अब नाउ आफ्टर 1967 सम मोर कंट्रीज जॉइन द एशियन ऑर्गेनाइजेशन, दीज वर ब्रुनेई, इन 1984 में ब्रुनेई ने जॉइन किया, 7th वियतनाम, इन
1995. Laopedia. In 1997, Myanmar. Also in 1997. And last one is Cambodia. In 1999. Okay, so these 10 countries are at present the member of Asia. Okay, so this is about the membership. आपको याद रखना along with the year of, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अफगानिस्तान ने SAARC को ज्वाइन किया था 2005 में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो बचे हुए 5 हैं, these were the founder members, means they were present in 1967, ठीक है, ये सभी 1967 से हैं, ठीक है, और ब्रुनेई, वियतनाम, लाओपेडिया, म्यांमार एंड कंबोडिया joined later on, 1984, 1995, 1997, 1997 and 1999, okay, so this was about the membership of the Asia. Okay, now we come to the objectives. Objectives. Desh. जो पांच उद्देश्य अपन ने बात की उन्हीं को स्टेटमेंट में अलग अलग कर रखा है, ठीक है. कौन कौन सी बात की थी अपन ने? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, पीस की बात की थी, सिक्योरिटी की बात की, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात की, ठीक है. तो पहला उद्देश्य वही है, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना. कल्चरल डेवलपमेंट, वही वाली बात है, कल्चरल डेवलपमेंट. सोशल प्रोग्रेस इन द रीजन बाय जॉइंट इनिशिएटिव्स इन द स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप एंड इक्वलिटी टू सीमेंट द फाउंडेशन फॉर द पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है. तो इस पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सभी अपन ने जो बात की, मुख्य उद्देश्य जो अपन ने बात की थी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड पीस, ठीक है. ये सभी उद्देश्य पहले उद्देश्य में आ चुके हैं, ठीक है. बाय द जॉइंट इनिशिएटिव्स, सभी ने इक्वली इनिशिएटिव लेके, और जो इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी को कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिन पे ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, ठीक है. तो एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, उसके तहत ये है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है और दूसरी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर आप उस मंच पर हैं तो सभी कंट्रीज उस समय इक्वल है, ठीक है. किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी प्रकार के देश के साथ नहीं किया जाए, चाहे वो डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलप्ड हो, ठीक है. डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अप्लाइज, ठीक है. तो सभी को इक्वल मानते हुए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना, ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, आर्थिक विकास हो सके मेंबर नेशंस का, ठीक है, उनकी समाज का विकास हो सके मेंबर नेशंस के, उनके कल्चर का विकास हो सके, ठीक है, और सभी मेंबर नेशंस के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा और एक दूसरे के लिए शांति की स्थापना की जा सके, ठीक है. सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशिया, ठीक.
continue in the next class. Thank you.